जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर स्कूल आईडी कार्ड कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे या लेआउट पे, पेज लेआउट पे, ठीक है, या पे जाएंगे, मार्ज पोर्ट्रेट कर लेंगे, या सम मार्जिन नॉर्मल, ठीक है, या से साइज पे जाएंगे, लास्ट में मोर पेज साइज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम हाइट और विड्थ, यहाँ पे हम हाइट और विड्थ 3.5 एंड 2.1, ठीक है, यह होगी हमारे पास कार्ड की साइज, ठीक है। या से हम रोलर्स, इसको यहाँ से जूम कर लेंगे। आप सबसे पहले या इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे, इंसर्ट में शेप पे क्लिक कर लेंगे, शेप में यहाँ पे ये वाला टेक बॉक्स, इस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर्स वगैरह, जो कलर हमें अच्छा लगे वो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कलर हो, यहाँ पे हम लिखते हैं स्कूल का नाम, GOVT टूर्नामेंट, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखते हैं, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल ई करते हैं, सेंटर पे हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल बी बोल्ड, या होम पे क्लिक करते हैं, होम में यहाँ पे हम स्टाइल वगैरह कुछ देते हैं, अच्छा स्टाइल हो हमारे पास, ठीक है। ये वाला स्टाइल, ठीक है, फिर या इसके साइज यहाँ से बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इंसर्ट, यहाँ पे शेप, शेप में पिटे बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटी कार्ड, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल ई सेंटर, ठीक है, या से हम नो फिल, ठीक है, या से नो आउटलाइन, ठीक है। होम पे क्लिक कर लेंगे यहाँ से बोल्ड, थोड़ा इसकी साइज, या पे स्टाइल, ये वाला स्टाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट में यहाँ पे पिक्चर्स बॉक्स लेंगे, यहाँ से हम उसको ऐसे, अब यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है, इंटर एफ नेम, ठीक है, फादर नेम, ये इंटर, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, होम पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से हम साइज, यहाँ से रिमूव स्पेसिंग, ठीक है, थोड़ा हम साइज कम कर देंगे, ठीक है, इंटर, फिर यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, इंटर, यहाँ पे लिखेंगे क्लास, इंटर, यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेंगे इसे, फिर इसको यहाँ से हम नेम, नेम इसके यहाँ से हम साइज बोल्ड साइज डाल देंगे, ठीक है, कोई भी स्टाइल हो, यहाँ से हम
ये वाला स्टाइल ठीक है, थोड़ा साइज और भी कम कर लेंगे ठीक है। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देंगे ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे, फॉर्मेट में यहाँ पे नो फिल, यहाँ पे नो आउट लाइन ठीक है, यहाँ पे हमने ये दिया। उसके बाद यहाँ पे लाइन शिफ्ट माइनस के साथ हम लाइन ड्रा कर लेंगे ठीक है। यहाँ पे भी हम शिफ्ट माइनस साथ लाइन ड्रा कर लेंगे ठीक है। शिफ्ट माइनस साथ के लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे भी हम टैब प्रेस कर लेंगे, शिफ्ट माइनस के साथ हम लाइन ड्रा कर लेंगे ठीक है। यहाँ पे भी हम टैब शिफ्ट माइनस के साथ हम लाइन से ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे भी हम टैब शिफ्ट माइनस के साथ हम लाइन ड्रा कर लेंगे ठीक है। इसके बाद इस साइड पे हम पिक्चर देंगे कोई कोई भी पिक्चर हम दे सकते हैं ठीक है, या फिर किसी का भी पिक्चर हो, ये वाला पिक्चर ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे ठीक है। यहाँ पे हम पिक्चर इंसर्ट शेप, यहाँ पे ये वाला बॉक्स, एडिट एडिट पॉइंट, एडिट पॉइंट, ये हमारे पास स्टूडेंट कार्ड रेडी हुआ ठीक है।